सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube की जो पॉलिसीज हैं वो कितनी सख्त हैं और इन पॉलिसीज के बारे में आज मैं बात करूंगा कि अगर आपके YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं तो आपका अगर आपने अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए अपनी चैनल को रिव्यू में भेज दिया है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि जिन लोगों के 1000 घंटे का सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं और जिन लोगों का अभी तक 4000 घंटे का भी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है और वो अपने YouTube चैनल को रिव्यू में जब भेजेंगे तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें जो YouTube के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनके होने से कितना नुकसान होगा और आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अपने चैनल को रिव्यू के लिए भेज दिया है, फर्स्ट टाइम भी भेजा है, तो अगर उनका मोनेटाइजेशन काफ़ी देर से रिव्यू में ही पड़ा है और मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो उन दोस्तों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि YouTube की जो पॉलिसीज़ है, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर आप उनमें से कोई एक भी आपके YouTube चैनल के ऊपर आ जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों मेरा नाम है सदरी, आप देख रहे हैं HDfunmaza, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों YouTube चैनल के ऊपर अगर आप सबसे पहले हैकिंग की वीडियो बनाते हैं किसी भी उसके ऊपर के बटन शेयर को कैसे हैक कर सकते हैं या किसी का वाईफाई कैसे हैक कर सकते हैं, हैकिंग के मतलब अगर आप कोई भी वीडियोस बनाते हैं और आपके चैनल के ऊपर कोई वीडियो मौजूद है तो उसको फौरन डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसके होने से, क्योंकि कोई भी हैकिंग की बात बताने से आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान है, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खराब है और आप कभी भी हैकिंग के मतलब जो है वो अपने चैनल के ऊपर वीडियो मत डालें। दोस्तों नंबर दो पे जो चीज है वो है मेकिंग मनी के बारे से। अगर आप अपने चैनल के ऊपर दूसरों को बता रहे होते हैं कि एक दिन में $1000 कमा रहे या एक महीने के अंदर $1000 कमा रहे और आपके चैनल के ऊपर पैसे कमाने वाली बहुत ज्यादा वीडियोज पड़ी हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि गूगल वाले जब उस चीज को रिव्यू करते हैं तो वो लोग जानते हैं कि ये सब चीजें फेक होती हैं क्योंकि अगर आप आज इंटरनेट के ऊपर आए हो और आप एक महीने के अंदर $1000 $2000 कमाना चाहते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है और वो लोग आपके चैनल के ऊपर देख कर कि ये वाकई में ये वीडियो फेक बना रहा है तो उसकी वजह से भी आपका जो चैनल है वो मोनिटाइज नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि आप जो वीडियोज़ हैं मेकिंग मनी के वाले से वो ना बनाओ, लेकिन बनाओ सिर्फ जेन्युइन वीडियोज़ बनाओ अगर आपका जो चैनल है रिव्यू अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है। जब आपका एक दफ़ा चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं बनता, लेकिन अगर आप अभी आपके 4000 घंटे या 1000 सब्सक्राइबर जो पूरे नहीं हुए तो अगर आप मेकिंग मनी के वाले से फेक वीडियोज़ बना रहे हैं तो वो बनाना बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है टैग्स, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो टैग्स होते हैं वो हम लोग व्यूज़ हासिल करने के लिए कि जल्दी जल्दी हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज़ है, हम लोग बड़े बड़े चैनल्स के जो टैग्स होते हैं उनके नेम जो है वो अपने टैग्स के अंदर अपने टैग्स में डाल देते हैं ताकि हमें व्यूज़ मिल जाए, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल बिल्कुल ही YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा है जो अपने चैनल के ऊपर दूसरों के चैनल जो है वो डाल रहे होते हैं, जैसे टेक्निकल गुरु जी एक बहुत बड़ा नाम है तो वहाँ पे उनका अगर नाम आप अपने टैग या अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए तो इसकी वजह से भी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा और YouTube आपकी जो एप्लीकेशन है वो वापस भेज देगा या 10-15 महीने तक हुआ वो वैसे ही पड़ी रहेगी और आप उसके इंतजार में बैठे रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करता चलूँ चौथे नंबर की तो चौथे नंबर के ऊपर भी अगर आप टैग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आप फेक टैग यूज़ करते हैं यानी कि अगर आपकी वीडियो किसी मोबाइल की सीक्रेट टिप्स के ऊपर है और वहाँ पे आप कंप्यूटर के टैग्स डाल देते हो तो इसके ऊपर भी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। याद रखिए कि डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी फेक चीज़ इस्तेमाल करते हो तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो है आप उसी रिलेटेड वहाँ पर टैग्स डाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ पांचवें नंबर पे तो पांचवें नंबर पे व्हाट्सएप की जो 30 सेकंड की वीडियो और स्टेटस के ऊपर जिन लोगों ने चैनल बनाया हुआ है उन लोगों का चैनल जो मोनेटाइज है वो बहुत मुश्किल से होगा क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है कि वहाँ पे म्यूजिक होता है और जो म्यूजिक होता है वो कॉपीराइट होता है। बेसिकली जब वो वीडियो को अपलोड करते हैं तो उन्हें वहाँ पे कॉपीराइट नहीं आ रहा होता, लेकिन जब चैनल को रिव्यू में डाला जाता है और वो चैनल की वीडियोज़ को चेक करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये इतने पॉपुलर सॉन्ग होते हैं तो वहाँ पे वो आपका चैनल मोनेटाइज किसी सूरत पे भी नहीं करेंगे। तो उस छठवें नंबर पे बात है कि कैसे आप अपनी अगर वीडियोस को दूसरी वेबसाइट के ऊपर शेयर करते हैं वहाँ से ट्रैफिक लेकर आते हैं तो यहाँ पे भी मसला आ जाएगा और आपकी जो YouTube चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे अगर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट की बात कर ली जाए जैसे WhatsApp है, Facebook है तो यहाँ पे भी आप 20% से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं ले सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर से आप ट्रैफिक लेकर आएंगे और वहाँ पे आपको 20% से कम भी ट्रैफिक मिलती है तो वहाँ पे भी YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा और वहाँ पे भी आपको जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा।
और दोस्तों जो सबसे आखिर में सातवें नंबर की चीज़ है वो बहुत अहम चीज़ है, वहाँ पे है म्यूज़िक का जो होता है सेक्शन। देखो म्यूज़िक के सेक्शन के अंदर आप सभी लोग जाते हैं कि हम लोग कैमटेसिया स्टूडियो, वंडरशेड वीडियो एडिटर या कोई और जो वीडियो एडिटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें जो है वो उनका म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये बात कन्फर्म नहीं होती है कि जो उनका म्यूज़िक है वो कॉपीराइट से पाक साफ है। दोस्तों वो कॉपीराइट से पाक साफ नहीं होता है, इसलिए हमें अब जो म्यूज़िक हमने इस्तेमाल करना होता है उसकी हमें बिल्कुल तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वाकई में इसका कॉपीराइट नहीं है। क्योंकि बाद में अगर कॉपीराइट का इशू आ जाए तो आज जब आप 100-200 वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो आप एक एक वीडियो के अंदर से कॉपीराइट को नहीं हटा सकते, और अगर आप उसको डिलीट करेंगे या हटाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा करेगी। दोस्तों ये थे कुछ रूल जो मैंने आपको बताए। अगर आपका नया YouTube चैनल है, अगर आप काफ़ी देर से YouTube चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा और इन चीज़ों से दूर रहना होगा और अपने जो लीगली तरीके से और बिल्कुल साफ तरीके से आपने काम करना होगा, तभी जाके आपका जो चैनल है मोनेटाइज होगा। और यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि जिन लोगों ने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन सेंड कर दी है तो दोस्तों उन लोगों को चाहिए कि ये जितने मैंने रूल्स बताए हैं अगर इनमें से कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी आपके चैनल के ऊपर हो रही है तो उसको फ़ौरन डिलीट कर दीजिए। अगर ताकि जो YouTube की टीम है अगर आपके चैनल को रिव्यू करती है तो उसको जो वो मवाद है वो ना मिले। अगर दोबारा रिव्यू करती है, अगर आपको दोबारा एप्लीकेशन आती है कि आपका जो चैनल है दोबारा रिव्यू किया जाएगा, तो फौरन इन चीज़ों को अपने चैनल के ऊपर से खत्म कर दीजिए ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो सके। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें जरूर लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।